जैसे कि हम सब जब जानते हैं कि चंद्रमा की सतह और वातावरण को जानने के लिए पूरे दुनिया भर के बहुत सारे वैज्ञानिक इस कार्य में जुटे हैं कि वो चंद्रमा की सतह और वातावरण को जान पाएं, और इस मिशन को अंजाम देने के लिए हमारे वैज्ञानिक दिन रात एक करके इस कार्य के ऊपर लगे हैं, और भारत इनमें से एक है जो कि दिगह 3 सालों से ज़्यादा हो चुका है वो इस कार्य में जुटा था, और गत 14 जुलाई 2023 को उन्होंने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया। उससे पहले उन्होंने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 में उन्होंने लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर को जोड़ा था, और चंद्रयान 3 में उन्होंने रोवर और लैंडर को जोड़ा है क्योंकि ऑर्बिटर ने चंद्रयान 2 में ही काम कर दिया था उसका सफलतापूर्वक। और हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब चंद्रयान 3 पहुंचने वाला भारत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि इससे पहले साउथ पोल की तरफ सिर्फ 3 ही देशों ने इस सॉफ्ट लैंडिंग के मुकाम को हासिल किया था, जो कि आज हमारे स्कूल में चंद्रयान 3 के लिए जो आज शाम को हम जानते हैं कि लैंड करने वाला है कि मून के सतह पर, तो आज हमारे स्कूल में एक मिनट का मौन धारण किया गया था वो उन वैज्ञानिकों के लिए और चंद्रयान 3 के सक्सेस के लिए कि वो अपने मतलब सतह पर अच्छे पूर्वक पहुंच जाए और हमारा भारत का नाम गौरव से रोशन करे। पता है चंद्रयान 3 आज अपने सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चंद्रमा पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर। अगर वो सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है तो हमारा मतलब इंडिया एक 6th कंट्रीज के लिस्ट में आ जाएगा सॉफ्ट लैंडिंग में। और जैसे कि आज पता है हमें पता है कि आज के लिए हम हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम किए थे चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग के लिए। दिस इज़ आर ट्रिब्यूट टू आवर साइंटिस्ट एंड गवर्नमेंट। थैंक यू, हैव अ गुड डे। इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर आवर कंट्री लाइक इंडिया दैट टुडे ऑन डेट 23rd अगस्त 2023 इंडिया इज लैंडिंग देयर थर्ड चंद्रयान थ्री। इट्स द थर्ड लूनर लूनर ऑर्बिटर विच इज चंद्रयान 3 इज लैंडिंग टुडे एंड इट्स अ ग्रेट मूवमेंट फॉर अस टू वॉच दैट मूवमेंट सच दैट इन आवर इन फ्रंट ऑफ अस एंड इन दिस फॉर द चंद्रयान 3 वी द स्टूडेंट्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय मेड अ साइलेंस प्रेयर फॉर 1 मिनट फॉर द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 सो दैट द इट्स अ ग्रेट ट्राइब्यूट फॉर आवर साइंटिस्ट एज वेल एज ऑल द वर्कर्स ऑफ द इसरो फॉर द सक्सेसफुल ऑफ आवर कंट्री एंड आफ्टर दैट आफ्टर द इट्स मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3 वॉज द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून सो दैट After this, India will become the 4th country after China, Russia, and America to become the soft landing on the moon. After that, by saying this, I concluding. आज का दिन हमारे लिए बहुत गर्व अभिमान का दिन है। आज चंद्रयान 3 शाम में लैंड होने वाला है मून पे। हम केंद्रीय विद्यालय देवगढ़ की तरफ से इस मिशन के लिए बहुत सारी दुआएं देते हैं। आज सुबह मॉर्निंग असेंबली में हमारे बच्चों ने, हमारे टीचर्स ने मिल के प्रेयर की है, और हम चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल हो। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग के लिए। जय हिंद।